शीट नंबर 16 में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने कर लिया, 3 हमने कर लिया था, 4th कर लिया था, और क्वेश्चन नंबर 5 में क्या प्रॉब्लम थी? आपको एंगल निकालना है दो फोर्सेस के बीच में, एक फोर्स 2 न्यूटन है, दूसरी 3 न्यूटन है, और रिजल्टेंट 4 न्यूटन है। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगा लो, आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा। तो रिजल्टेंट 4 है, और a और b की वैल्यू कितनी है, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू कॉस ऑफ थीटा, राइट। तो यहां से स्क्वेयरिंग करेंगे तो 16 इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 9 प्लस 12 इंटू कॉस थीटा। यहां से जब माइनस करेंगे तो ये 16 और यहां ये सॉरी ये 2 का स्क्वायर है, तो यहां पर क्या आ गया, ठीक है, ये आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी स्क्वायर करके 16, और ये क्या आएगा 4, ये क्या आएगा 9। तो जब इधर जाएगा तो 3 इज इक्वल टू 12 इंटू कॉस थीटा, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएगी 1/4। अब ये तो पता नहीं आपको क्या है, तो आप थीटा को लिखेंगे कॉस इनवर्स 1/4, थीटा कॉस इनवर्स हो जाएगा 1/4। क्लियर है यहां तक? तो यहीं तक छोड़ दें क्योंकि आप एंगल निकाल नहीं पाएंगे इसका, तो एंगल मत निकाल लें, यहीं तक सफिशियंट है। नेक्स्ट है 6th क्वेश्चन, रिजल्टेंट ऑफ पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर इज आर वेक्टर। रिजल्टेंट मतलब ए वेक्टर यानी कि पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर। ये क्वेश्चन में गिवन है, ठीक, ये क्वेश्चन में गिवन है, ऑन रिवर्सिंग डायरेक्शन ऑफ क्यू वेक्टर। तो क्यू वेक्टर क्या बन गया, माइनस क्यू वेक्टर, तो वेक्टर बिकम एस वेक्टर। तो ये बताओ कि आपको क्या गिवन है, पी वेक्टर क्यू वेक्टर, ये पी वेक्टर है, ये क्यू वेक्टर है, और इसका रिजल्टेंट आर वेक्टर है। और पी वेक्टर में अगर क्यू वेक्टर की डायरेक्शन को रिवर्स करें तो क्यू वेक्टर क्या बन जाएगा, नेगेटिव वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर का मतलब माइनस क्यू वेक्टर। तो आंसर क्या नया वेक्टर आएगा, एस वेक्टर। क्या प्रूव करना है, आपको प्रूव करना है आर स्क्वायर और एस स्क्वायर का सम 2 इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर के इक्वल है। यहां पर कहीं भी वेक्टर दिख नहीं रहा, यहां पर काम किस में चल रहा है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड में। और अगर मैग्नीट्यूड की बात करते हो तो r का मैग्नीट्यूड बोलो क्या होगा, r विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम इज थीटा। और उसी तरीके से अगर s की वैल्यू की बात करते हो तो अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2 पी क्यू इंटू कॉस ऑफ थीटा, राइट। तो एक एडिशन ऑफ वेक्टर का रिजल्टेंट है, एक सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का रिजल्टेंट है, तो ये r और s आ गया। अब आपने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड लेनी है, r की जगह ये पूरी की पूरी वैल्यू यहां पुट करनी है, इसका स्क्वायर आएगा, अंडर रूट हट जाएगा, और s की जगह यहां पुट करना है तो अंडर रूट का स्क्वायर, अंडर रूट हट जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है, काफी टर्म्स कटेंगी, और सॉल्व करके आंसर क्या आएगा, 2 इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर हो जाएगा सॉल्व। तो आप यहां पर वैल्यूज पुट करेंगे, r की जगह r और s की जगह s, तो चेक करें ये टर्म्स कट जाएंगी, 2pq, 2pq, तो और अपना दिख ही रहा आंसर, 2 इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज द आंसर, राइट। क्लियर है यहां तक? तो कितनों का हो गया था, वैसे ये हो गया था, ठीक। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन के ऊपर बेस्ड है ये। नेक्स्ट है, व्हेन एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, इक्वल मैग्नीट्यूड का मतलब एक a है तो दूसरा भी a ही है, b नहीं है, और कितना एंगल थीटा है, 2π/3, 2 इंटू पाई का मतलब क्या होता है, 180 डिग्री/3, तो सॉल्व करके कितना आएगा, 120 डिग्री। तो एंगल कितना गिवन है, 120 डिग्री। क्या निकालना है, प्रूव दैट मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट को क्या लिखते हैं, आर, आर वेक्टर नहीं, मैग्नीट्यूड आर इज इक्वल टू आइदर, इक्वल टू आइदर का मतलब आर ए के इक्वल है, प्रूव करो। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगा लो, रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगेगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2 a इंटू कॉस ऑफ 120, और कॉस 120 की वैल्यू क्या होती है, माइनस हाफ। तो मैंने याद करने को भी कही थी कि कॉस ऑफ 120 माइनस हाफ है, तो r की वैल्यू क्या आएगी, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये कॉस 120 को माइनस हाफ पुट करें, 2 और 2 कैंसिल, तो क्या बचेगा, सिर्फ माइनस ए स्क्वायर,
अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर यानी कि सिर्फ और सिर्फ ए इज द आंसर। तो क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें? पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक कि कैसे इस क्वेश्चन को करना है? तो आर की वैल्यू किसके इक्वल आ गई? ए के इक्वल आ गई। ठीक, समझ में आ रहा है? ऑनलाइन क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें क्या करना है? ये हमने कर लिया था, ये कर लिया था, और ये भी हमारा हो गया था। ठीक है, तो इस शीट को जो है क्लोज करते हैं। 60 नंबर शीट है, 16 के बाद 17 शीट के अंदर कुछ क्वेश्चंस थे, तो शीट नंबर 17 से स्टार्ट करते हैं। अपने मेथड को प्लीज चेक करते जाएं, कहीं गड़बड़ ना हो जाए। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर आपको क्वेश्चन में गिवन है। ये पार्ट मैंने कहा था नहीं करना, ये वाला। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है। ए तो कैसे सिखाया था? ए वेक्टर का मॉड क्या होगा? आई के कोफिशियंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशियंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशियंट का स्क्वायर आंसर। तो ए वेक्टर का क्या आ गया? मॉड आ गया। बी वेक्टर का मॉड क्या होगा? बी वेक्टर का मॉड विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो बी वेक्टर का मॉड भी आ गया। ये भी क्लियर है यहां तक? तो ए वेक्टर का मॉड, बी वेक्टर का मॉड आ गया। नेक्स्ट क्या निकालना है? 3 ए वेक्टर प्लस 2 बी वेक्टर का मॉड। मॉड बाद में निकलेगा, पहले निकलेगा 3 ए वेक्टर प्लस 2 बी वेक्टर। तो 3 ए वेक्टर का मतलब है 3 इंटू ए वेक्टर की वैल्यू पुट कर दें, i कैप प्लस 3 j कैप माइनस 2 k कैप प्लस b वेक्टर की वैल्यू पुट कर दें 4 i कैप माइनस 2 j कैप प्लस 4 k कैप। ये लो मॉड, इसे ओपन करें। जब आप इसे ओपन करेंगे तो आपके पास, आप मल्टीप्लाई करें इसे, तो आपके पास जो टर्म आएगी वो क्या आएगी? यहां से 3 i कैप प्लस 9 जे कैप माइनस 6 के कैप प्लस 8 आई कैप माइनस 4 जे कैप प्लस 8 के कैप। ये लो, तो आई वाली टर्म को ऐड कर दो, तो 3 और 8 कितना हो गया? 11 आई कैप। जे वाली टर्म जे में जाएगी तो क्या आएगा? प्लस 5 जे कैप। के वाली टर्म के में जाएगी तो प्लस 2 के कैप। ये लो, तो आपने एंड में क्या गिवन है? मॉड। मॉड का मतलब इसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा? 11 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर आंसर निकाल लेना। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे करना है इस टाइप के क्वेश्चन को? तो 3 ए वेक्टर प्लस 2 बी वेक्टर, जो भी पहले आप आई कैप और जे कैप और के कैप टर्म में निकाल लेंगे, फिर एंड में इसका मॉड लगा देंगे आंसर। तो कितने लोगों ने ऐसे किया था? आगे आंसर क्या आया है? अंडर रूट ऑफ 141, यही आया क्या? 149, ओके, अंडर रूट ऑफ 149 ऐसे आया है। ठीक, 150 है, ओके 150, ओके, तो अंडर रूट ऑफ 150 इसका आंसर है, राइट। ठीक है, हाँ ऐसे ही करना पड़ेगा, नहीं तो सॉल्व करना है तो सॉल्व कर लेना, लंबा है तो ऐसा कर लेना। अगर सब्जेक्टिव आता है स्कूल में तो आप यहीं तक छोड़ देना, जब एंड में टाइम बचा, अगर पेपर में टाइम बचा तो एंड में फिर सॉल्व कर देना, नहीं बचा तो यहीं सही। ऑब्जेक्टिव में तो पता लग ही जाएगा करना है कि नहीं करना, ऑप्शन देख के, बात ही खत्म। ठीक है यहाँ तक? ठीक है, तो नेक्स्ट, फाइंड यूनिट वेक्टर पैरेलल टू 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस 5 के कैप एंड बी वेक्टर की वैल्यू भी गिवन है। तो इसमें आपको गिवन है ए वेक्टर 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस 5 के कैप। बी वेक्टर इज इक्वल टू, बी वेक्टर है 1 2 3, तो आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। आपको निकालना है एक यूनिट वेक्टर, तो इसका मतलब आंसर वेक्टर पूछ रहा है, तो मैग्नीट्यूड नहीं पूछ रहा, कोई नंबर नहीं आएगा। वेक्टर आएगा तो आई कैप जे कैप के कैप की फॉर्म में आएगा,
तो एक वेक्टर पूछ रहा है, कौन सा यूनिट वेक्टर पैरेलल टू रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, सबसे पहले इसका क्या निकलेगा रिजल्टेंट, फिर उस रिजल्टेंट के पैरेलल क्या निकलेगा यूनिट वेक्टर। तो रिजल्टेंट वेक्टर, देखो रिजल्टेंट एक वेक्टर होगा, रिजल्टेंट क्या होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो काफी लोग ये क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं कि रिजल्टेंट में आर निकाल लें, मैग्नीट्यूड निकाल लें कि आर वेक्टर निकाल लें। आप ये डिसाइड करो आपको एंड में क्या, उसने पहले ये बताया कि मुझे आर का मैग्नीट्यूड दो, नहीं उसने तो कहा ही नहीं आर का मैग्नीट्यूड चाहिए, उसने क्या कहा मुझे एक वेक्टर चाहिए, और कौन सा वेक्टर चाहिए यूनिट वेक्टर चाहिए। तो वेक्टर फॉर्म में कैलकुलेट करवाना चाहता है तो आप आर वेक्टर निकाल लें, आई वाली टर्म को आई में ऐड करें, जे वाली को जे में एडजस्ट करें और ये लो, तो ये आपके पास आर वेक्टर आ गया। ठीक है यहां तक? अब आपको ये आर वेक्टर दे रहा है और इसके पैरेलल एक यूनिट वेक्टर दे रहा है। इसके पैरेलल यूनिट वेक्टर का मतलब क्या है कि अगर आपके पास कोई आर वेक्टर है तो आप आर वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाल दें, जो कि फॉर्मूला क्या होता है अ वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। अब ये जो वेक्टर आएगा आर कैप वो आर वेक्टर के पैरेलल होगा, उसी डायरेक्शन में होगा। क्यों? क्योंकि आर वेक्टर का यूनिट वेक्टर उसी का तो पार्ट है, तो उसी का हिस्सा है, बस मैग्नीट्यूड इसका वन होगा, अदरवाइज डायरेक्शन इनकी क्या रहती है ओरिजिनल वेक्टर के इक्वल रहती है। तो इसमें आर वेक्टर की जगह क्या पुट करेंगे, थ्री आई कैप प्लस सिक्स जे कैप माइनस टू के कैप डिवाइडेड बाय आर की वैल्यू क्या होगी थ्री का स्क्वायर सिक्स का स्क्वायर माइनस टू का स्क्वायर। तो थ्री आई कैप सिक्स जे कैप माइनस टू के कैप डिवाइडेड बाय कितना आ रहा है ये अंडर रूट ऑफ 49 यानी कि 7। तो 3 बाय 7 आई कैप 6 बाय 7 जे कैप 2 बाय 7 के कैप इज द फाइनल आंसर। ये आर कैप की वैल्यू है। कोई कहेगा यूनिट वेक्टर है ये, हाँ यूनिट वेक्टर। कैसे पता लगेगा? क्योंकि जब आप इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, बोलना नहीं वैसे ही चेक करने के लिए, तो आई का कोफिशियंट का स्क्वायर जे के कोफिशियंट का स्क्वायर और के कोफिशियंट का स्क्वायर का अंडर रूट, तो आंसर हमेशा वन ही आएगा। चेक करने की जरूरत नहीं है, टेस्टेड है ये फॉर्मूला, टेस्टेड फॉर्मूला, आपका आंसर वन ही आएगा मैग्नीट्यूड। तो आपका जो फाइनल आंसर है ये रहेगा। तो ये पॉइंट सबको क्लियर है, आर कैप की वैल्यू कैसे निकलेगी, कोई डाउट इसमें? समझ में आ रहा है यहाँ तक? कितनों का हो गया था ये? हो गया था। तो समझ में आया आपको कैसे करना है इसे? ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, प्रूव दैट दीज आर परपेंडिकुलर, अभी नहीं होगा। एंगल बिटवीन अभी नहीं होगा। ए वेक्टर और बी वेक्टर, फिर से एक बार क्या निकालना है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो बोलो क्या करें, आई वाली टर्म को, आई वाली टर्म नहीं 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 क्या करें, ए वेक्टर का मॉड निकाल लें, बी वेक्टर का मॉड निकाल लें, दोनों को ऐड कर दें? नहीं, उसने क्योंकि वेक्टर में वेक्टर ऐड करने को कहा, मैग्नीट्यूड की बात ही नहीं की, तो मॉड मत निकालना। तो क्या करेंगे, एज इट इज इन्हें ऐड कर देंगे, इसको इसमें ऐड करेंगे तो आई कैप, जे को जे में करेंगे तो माइनस जे कैप, के को के में करेंगे तो प्लस के कैप। आंसर क्या, इसका मॉड निकालने बोला उसने? नहीं बोला। अगर ये मॉड लगाने को बोलता फिर क्या होता, अंडर रूट ऑफ वन का स्क्वायर प्लस माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर। नहीं बोला तो बस यही आंसर है। तो यानी कि आप दो वेक्टर को ऐड करके वो आपसे वेक्टर ही पूछ रहे हैं और वेक्टर फॉर्म में आपके पास ये आंसर है। ऐसे आप क्या निकालेंगे, ए कैप ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, इन दोनों वेक्टर्स को आपस में क्या कर देंगे माइनस, आई वाली टर्म में से आई, जे वाली टर्म में से जे, के वाली टर्म में से के, हो जाएगा सॉल्व। ठीक है, मॉड नहीं निकालना, वैल्यू नहीं निकालनी, वो दो क्वेश्चन नहीं करने अभी, छोड़ दें। नेक्स्ट सिक्स भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर सेवेंथ, सेवेंथ क्वेश्चन के अंदर ए कैप और बी कैप अगर यूनिट वेक्टर है, ना भी बोलता तो भी जिसके ऊपर कैप है वो यूनिट वेक्टर ही होते हैं, तो ए कैप और बी कैप अगर यूनिट वेक्टर है तो इनका मैग्नीट्यूड क्या होगा वन, बी कैप का मैग्नीट्यूड क्या होगा वन। तो प्रूव करो ए कैप माइनस बी कैप का मॉड, मॉड का मतलब क्या पूछ रहा है मैग्नीट्यूड, तो यानी कि रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगेगा इसमें, तो इसका मैग्नीट्यूड इसके इक्वल है, ये प्रूव करो। वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन ए कैप एंड बी कैप। इससे पहले कि मैं आगे चलूं, एक पॉइंट को समझो। सबसे पहले अगर आपको ये वेक्टर गिवन है ए वेक्टर और ये वेक्टर गिवन है बी वेक्टर और ये एंगल क्या है थीटा,
तो मैंने किसी स्टूडेंट को कहा कि ये बता कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मॉड क्या होगा, तो क्या होगा ए वेक्टर और बी वेक्टर, इसका आंसर क्या होगा? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी कॉस थीटा, क्योंकि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर करके जो आंसर आएगा वो आर वेक्टर होगा, और आर वेक्टर का क्या पूछ रहा है? मॉड, मॉड का मतलब आर की वैल्यू। तो ऑब्वियसली अब क्या करोगे, रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस टू ए बी कॉस थीटा करोगे, राइट। मैंने अगर अगला क्वेश्चन ये पूछा कि आप मुझे ये बताओ ये ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर या ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कुछ भी ले लो, इसका स्क्वायर निकालो, तो मैं देख रहा था प्रैक्टिस सेशन के अंदर भी जब लग रहे थे, तो वो स्टूडेंट कर रहे थे ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर माइनस टू ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर। चलो नहीं आइडिया कोई बात नहीं, ऐसा तो कभी करना ही मत गलती से भी, वेक्टर का स्क्वायर तो होता ही नहीं, अलाउड ही नहीं। जैसे एक फोर्स लगी 10 न्यूटन लॉन्ग नॉर्थ, तो वेक्टर का स्क्वायर वो लोग कहते हैं 10 का स्क्वायर 100, नॉर्थ का स्क्वायर नॉर्थ स्क्वायर, ये कौन सी डायरेक्शन होती है नॉर्थ स्क्वायर, तो ऐसा कुछ नहीं होता। तो वेक्टर का स्क्वायर हो ही नहीं सकता, क्योंकि डायरेक्शन की स्क्वायर ही नहीं हो, की वैल्यू होगी नहीं। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो आप इसका स्क्वायर कभी नहीं करेंगे, स्क्वायर किसका करेंगे? मैग्नीट्यूड का करेंगे, मैग्नीट्यूड का करेंगे, क्योंकि यहां पर सबसे पहले क्या लगा हुआ है? मॉड। तो ये तो है गलत, सबसे पहले लगा हुआ है मॉड, मॉड का मतलब आर वेक्टर का मॉड का स्क्वायर, आर वेक्टर का मॉड क्या होता है? आर, यानी कि आर का स्क्वायर। अब आर की वैल्यू तो सबको पता ही है, सब्ट्रैक्शन में क्या होती है? ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस टू ए बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो ये आंसर आएगा। तो पहला स्टेप क्लियर है, जो कॉमन मिस्टेक है जो लोग करते हैं, बिल्कुल नहीं करना। मैग्नीट्यूड के स्क्वायर तो पॉसिबल है, पर ऐसे ये पॉसिबल नहीं कि आप वेक्टर का भी स्क्वायर कर दोगे, नहीं हो सकता। क्लियर है यहां तक? ये पहली कॉमन मिस्टेक जो नहीं करनी। दूसरा, अगर मैं ये बोलूं कि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर दो वेक्टर्स हैं जिनके बीच में एंगल थीटा है, और मेरा क्वेश्चन है कि ये बताओ कि ए कैप एंड बी कैप में एंगल क्या है, तो क्या आंसर क्या होगा? सेम थीटा। वो क्यों? क्योंकि जो ए कैप निकलेगा उसकी डायरेक्शन तो ए वेक्टर के अलोंग ही होगी, और जो बी कैप निकलेगा उसकी डायरेक्शन बी वेक्टर के अलोंग होगी। तो अगर ए वेक्टर बी वेक्टर में एंगल थीटा है, तो ए कैप और बी कैप के अंदर भी एंगल थीटा है, कोई डाउट इसमें? ये ठीक है, राइट। तो अब क्वेश्चन यही है कि अगर मैं आपको ये देता कि सपोज करो आपको दो वेक्टर देता, एक ए वेक्टर और एक बी वेक्टर, और आपसे ये पूछता कि इनके बीच में एंगल थीटा है, तो क्या आप ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मॉड निकाल सकते हैं? तो आप कहेंगे हाँ निकाल सकते हैं। क्या होगा? ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस टू ए बी कॉस थीटा इज द आंसर। सही है? मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया, मैंने कहा कि मेरे पास कोई एक कैप है, मेरे पास बी कैप है, और एंगल इनके बीच में थीटा है, तो क्या आप ए माइनस बी कैप का मॉड निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। बोलो आंसर क्या आएगा? अंडर रूट ऑफ ए कैप का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब जैसे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या था? ए, तो ए का स्क्वायर। ए कैप का मैग्नीट्यूड क्या है? 1। तो यहां पर क्या आएगा? 1 का स्क्वायर प्लस बी कैप का मैग्नीट्यूड 1 माइनस 2, 1 इंटू 1 इंटू एंगल बिटवीन 1 एंड 1 इज, मतलब यूनिट वेक्टर इज थीटा। तो पॉइंट सबको समझ में आ रहा है कि करना क्या है इसमें? अगर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मॉड आपको पता है, तो ए कैप माइनस बी कैप का मॉड भी पता है, तो मैग्नीट्यूड ए और बी को क्या पुट कर देना है? 1 1, दैट सेट, खत्म। तो क्या ये स्टेप क्लियर है? तो आपको क्वेश्चन के अंदर यही तो निकालना है कि अगर आपके पास कोई ए कैप है बी कैप है, इसका आपको मैग्नीट्यूड निकालना है, तो 1 का स्क्वायर माइनस 2 1 इंटू 1 इंटू कॉस ऑफ थीटा। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, तो 2 माइनस 2 इंटू कॉस थीटा, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 कॉमन 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। क्या ये पॉइंट क्लियर है? ठीक है यहां तक? अब लेकिन आपको जो प्रूव करना है वो ये नहीं करना, आपका आंसर इस फॉर्म में है नहीं, थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में। एक काम करो, वो सिंप्लीफाइड फॉर्म के लिए मैंने आपको कैलकुलस जब हमने किया था एक फॉर्मूला करवाया था, मैथ्स वाले लोग जो है वो नॉन मेडिकल में करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री में, और मेडिकल में ही हम कर चुके हैं, अदरवाइज फिर से एक बार करवा रहा हूं। एक फॉर्मूला था
कॉस ऑफ टू थीटा, अगर आपको याद हो कॉस टू थीटा का मैथ्स के अंदर फॉर्मूला है, प्लीज ये याद करना पड़ेगा आपको, कॉस टू थीटा का फॉर्मूला है कॉस स्क्वेयर थीटा माइनस साइन स्क्वेयर थीटा, कॉस स्क्वेयर थीटा माइनस साइन स्क्वेयर थीटा, राइट, क्लियर है यहां तक? तो ये इसका फॉर्मूला है, या फिर कॉस ऑफ टू थीटा इज इक्वल टू वन माइनस साइन स्क्वेयर थीटा माइनस साइन स्क्वेयर थीटा, तो कॉस ऑफ टू थीटा विल बी इक्वल टू वन माइनस टू साइन स्क्वेयर थीटा, या फिर कॉस थीटा को इधर ले जाओ, टू साइन स्क्वेयर थीटा इधर ले जाओ, तो टू साइन स्क्वेयर थीटा इज वन माइनस कॉस ऑफ टू थीटा, ठीक है, जस्ट मैं इसको रीअरेंज कर रहा हूं, तो कुछ भी नहीं कर रहा, तो ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? अब ये बताओ, बिल्कुल ठीक, अब इसके अंदर आप समझ गए होंगे मैं क्या करने वाला हूं, कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल डबल हो जाता है, और अगर मैं यहां पर एंगल थीटा बाय टू पुट कर दूं तो फॉर्मूला क्या चेंज हो जाएगा, कॉस ऑफ थीटा, एंगल डबल कर दो, थीटा बाय टू का डबल क्या है, थीटा, समझ में आ रहा है, कि अगर ये टू थीटा तो ये हाफ कर दो, अगर ये थीटा तो ये हाफ कर दो, थीटा बाय टू, तो वन माइनस कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ गई, टू साइन स्क्वायर थीटा, यहां पुट कर दो तो आंसर आएगा अंडर रूट ऑफ टू इंटू टू साइन स्क्वायर थीटा बाय टू, और जब सॉल्व करोगे तो टू और टू का अंडर रूट टू बाहर आ गया, इंटू साइन ऑफ थीटा बाय टू, यही आपने प्रूव करना है, दिस इज द आंसर, बस इसमें फिजिक्स कम और मैथ्स की प्रॉपर्टी ज्यादा है, और वैसे भी आपको फीलिंग आ रही होगी कि मैथ्स की क्लास है, फिजिक्स क्लास है, कहाँ ज्यादा मैथ है और फिजिक्स कम है, ऐसे ही है, चांस की बात है, नहीं पढ़ता तो फिर जिनको नहीं पढ़ाया उनको मैंने बता दिया, ठीक है, ठीक है, हाँ जी, ठीक है यहां तक, तो ये हो जाएगा प्रूफ, नेक्स्ट है, नेक्स्ट है कैलकुलेट, मैं इसकी बात कर रहा था, तो बहुत लोग जब पहली बार करते हैं तो ऐसा कर देते हैं कि ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस टू इंटू ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर, नहीं करना, तो आपने क्या करना है, वन अपॉन फोर इंटू ब्रैकेट स्टार्ट a वेक्टर प्लस b वेक्टर का मॉड, मॉड का स्क्वायर, और a वेक्टर प्लस b वेक्टर क्या है, r वेक्टर, तो r का मैग्नीट्यूड क्या होगा, एडिशन में अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस a वेक्टर माइनस b वेक्टर का मॉड का स्क्वायर का मतलब इनको अगर माइनस करें तो अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस टू ए बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो ब्रैकेट क्लोज, तो होल स्क्वायर रूट क्या हो गया, कैंसल, तो क्या बचा, वन बाय फोर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, तो यहां से ये टर्म्स कैंसल, 4ab cos theta by 4 क्या हो गया, सिर्फ ab cos theta, तो आंसर इज ab cos theta इज द आंसर, पॉइंट क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें, सिक्स्थ, ये तो मैंने मना किया था, आपने क्यों किया टाइम वेस्ट, मैं आपको इसका ऐसा ट्रिक सिखाऊंगा आप टाइम दो सेकंड में खत्म कर दोगे इसे, देखो कुछ तो फर्क है ही,
ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये तो करना नहीं है, मल्टीप्लिकेशन वाला काम तो करना ही नहीं है, ये भी नहीं करना मल्टीप्लिकेशन का, ये भी नहीं करना, ये करना है ट्वेल्थ। ट्वेल्थ का आंसर क्या है जिन्होंने ट्राई किया? जीरो आ रहा है, कितने का जीरो आ रहा है? जीरो, मुझे लगता है जीरो ही आंसर है इसका, जीरो है। देखो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, इस क्वेश्चन में ये गिवन है कि अगर दो वेक्टर्स हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर, इनको ऐड करके एक नया वेक्टर है सी वेक्टर, तो सी वेक्टर इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो सी का मैग्नीट्यूड अगर मैं पूछूं, इसको छोड़ दो, सी का मैग्नीट्यूड अगर मैं पूछूं तो क्या आएगा? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। पर वो ये कह रहा है कि सी की वैल्यू जो आप कह रहे हो बिल्कुल सही है, पर सी की वैल्यू एक और है, क्या ए प्लस बी के इक्वली आएगी? तो एंगल निकाल दो। तो हम एक काम करते हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, क्योंकि आपको ये गिवन है कि सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस प्लस बी वेक्टर, तो सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी कि सी अगर पूछे तो क्या आएगा? ऑब्वियसली अगर इसका मैग्नीट्यूड पूछ रहा हूं तो इसका भी निकालना ही पड़ेगा, एक ही बात है, दोनों तरफ मॉड है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस ऑफ थीटा, ये एब्सोल्युटली करेक्ट है। पर वो ये कह रहा है कि c की वैल्यू एंड में पुट कर लेना a प्लस बी, तो इसकी जगह रिप्लेस कर दो a प्लस बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर टू ए बी कॉस ऑफ थीटा, इसे स्क्वेयरिंग करो तो a प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस ऑफ थीटा, इसको ओपन करो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस टू ए बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस ऑफ थीटा, ए स्क्वायर ये कैंसल, टू ए बी से टू ए बी भी कैंसल, तो यहां पर लेफ्ट हैंड साइड बोलो क्या बचा? किसी को जीरो तो नहीं दिख रहा, वन, वन कैसे जीरो नहीं होगा, कट नहीं गया, कुछ बचा ही नहीं, कुछ बचा नहीं तो भाई वन, भाई वन, कंफ्यूज नहीं हो, वन वन क्यों कट, वो माइनस थोड़ी ना हुआ है, वो डिवाइड हुआ है, टू ए बी को इसके नीचे लेके गए, टू ए बी बाई टू ए बी डिवाइड करके क्या आया? वन, तो वन इज इक्वल टू क्या आएगा? कॉस थीटा, तो थीटा क्या आएगा? जीरो। ये कॉमन मिस्टेक है, उड़ा के लोग कहते बचा ही नहीं, कुछ बचा ही नहीं, तो जीरो गलत, तो एंगल 90 पुट करके आते हैं, समझ में आया? और फिर घर आके कहते हैं पेपर बढ़िया हो गया, टीचर ही खराब था हमारा, इसे पेपर चेक किया। क्लियर है यहां तक? तो एंगल इसमें जीरो आएगा। नेक्स्ट, एंगल बिटवीन ये नहीं आएगा, भी आप नहीं कर पाएंगे, पार्टिकल ये दिया था मैंने नहीं दिया, ओके वैसे हमने कर लिया, पर इट्स नहीं होगा, नहीं सच वर्क डन है, नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, एंगल नहीं होगा, ये हो जाएगा। कितने लोगों का आंसर इसमें टू आया है? टू आ रहा है, अच्छा कितनों का इसमें रूट टू आया है? रूट टू आया है। कितनों का इसमें आंसर क्या क्या है, कोई और बोल दो, रूट टू आया है, हाँ रूट टू आया है, क्यों आया है, कैसे? ऑब्वियसली भाई अगर कोई वेक्टर तुम्हें गिवन है, मान लो ए वेक्टर गिवन है, बस उसने बेचारे ने क्या किया, उसका क्या कसूर है, ए वेक्टर दिखा नहीं रहा ताकि आपको याद ना हो जाए, ए का मैग्नीट्यूड निकाल लो, तो आपको क्या, हाँ हाँ फटाफट वन का स्क्वायर, वन का स्क्वायर का रूट, उसने ए वेक्टर छुपा लिया, कहता बस यही है मेरे पास, इसका मैग्नीट्यूड निकाल दो, तो निकाल दो, आई के कोफिशियंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशियंट का स्क्वायर, आंसर इज रूट टू। तो ऐसे ही इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, दूसरे का भी, अंडर रूट ऑफ वन का स्क्वायर प्लस माइनस वन का स्क्वायर, आंसर क्या आएगा? रूट टू। कोई डाउट इसमें? रूट टू, रूट टू आंसर, समझ में आ गया यहां तक? अब उसने इसकी डायरेक्शन को भी मेंशन किया, डायरेक्शन बताओ क्या होगी, डायरेक्शन क्या होगी आई कैप प्लस जे कैप की, कहां क्या कैसे बताओगे इसकी डायरेक्शन? डायरेक्शन में तो एंगल बताना होता है ना,
45 बनेगा, दूसरे में क्या बनेगा? फोर्टी फाइव बन रहा है, तो दोनों में फर्क क्या है? दे आर इक्वल। डायरेक्शन गलत बता रहे हो, इधर और इधर, इधर इधर नहीं बनेगा। अब कुछ बोलो, ऊपर नीचे बनेगा? नहीं बनेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट, कौन से क्वाड्रेंट में? वन टू थ्री या फोर? फर्स्ट एंड थर्ड? नहीं, फर्स्ट एंड फोर्थ। यस, फर्स्ट एंड फोर्थ। देखो कैसे इसके अंदर फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट कैसे, जैसे सपोज करो आपके पास ये एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है, तो ये रहा आपके पास आई कैप, एक्स के अलोंग आई कैप और वाई के अलोंग जे कैप। ये जे कैप और ये क्या बनेगा? यूनिट वेक्टर माइनस जे कैप। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? माइनस वन। मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं होता, तो वन नहीं होगा इसका मैग्नीट्यूड। तो वन और वन और वन, मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं भाई, माइनस साइन ये शो कर रहा है कि वेक्टर ऊपर नहीं वेक्टर नीचे है। राइट, क्लियर है? तो अगर मैं कहूँ ये आई कैप जे कैप दो वेक्टर्स हैं, तो इनका पैलोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से रिजल्टेंट निकाल लो, तो रिजल्टेंट क्या होगा? आई कैप प्लस, कोई डाउट इसमें? तो आंसर आ गया आई कैप प्लस जे कैप, वेक्टर आ गया। और इसका मैग्नीट्यूड तो रूट टू है। डायरेक्शन के लिए लेट अस सपोज ये कितना है? बीटा। तो आई कैप का मैग्नीट्यूड वन, जे कैप का वन, अगर ये वन तो ये भी वन, तो टेन ऑफ बीटा क्या बनेगा? वन बाय वन, तो बीटा क्या बनेगा? 45 डिग्री। ठीक हो गया यहाँ तक? लेकिन अगर मैं आपको ये बोलूँ कि अब वेक्टर, अब मुझे आई कैप और माइनस जे कैप का रिजल्टेंट निकालना है, तो आप ऐसा निकालेंगे, ये निकाल लेंगे, तो क्या बनेगा? आई कैप प्लस माइनस जे कैप, आई कैप प्लस माइनस जे कैप। तो इसके अंदर ये जो टर्म है, ये जो एंगल है, सॉरी, इसको इमेजिन करें बीटा डैश कुछ भी, तो अगर ये वन मैग्नीट्यूड है तो ये भी वन है, ये तो ऑलरेडी वन ही है, तो नीचे भी टेन ऑफ बीटा डैश क्या बनेगा? वन बाय वन, तो बीटा डैश फिर क्या बनेगा? 45 डिग्री। फर्क क्या है कि एक बनेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में और एक बनेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। समझ में आ रहा है यहां तक? फर्स्ट और फोर्थ। अच्छा, क्वेश्चन आएगा फाइंड एंगल बिटवीन आई कैप प्लस जे कैप एंड आई कैप माइनस जे कैप। कह रहे एक वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप है, एक वेक्टर आई कैप माइनस जे कैप, इनके बीच में एंगल क्या होगा? 90, क्योंकि ये एक रिजल्टेंट है, ये एक रिजल्टेंट है, दोनों 45 45 है, तो ऐड करके 90 ही आएगा, 45 45 90। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? तो कैसे सोचना है, एंगल समझ में आ रहा है? जब भी एंगल निकालने होंगे तो आपको वेक्टर ड्रॉ करके देखना पड़ेगा कि आई कैप प्लस जे कैप के दो कॉम्पोनेंट हैं, एक अलॉन्ग एक्स एक अलॉन्ग वाई, इस तरीके से। समझ में आ रहा है यहाँ तक? ठीक ठीक है, चलिए ठीक, कोई डाउट इसमें? ऑनलाइन क्लियर है? ऑनलाइन क्लियर है? सोनाक्षी? यस सर। ऐशनी? ठीक है? यस सर। ठीक है, तो कितने लोगों का 18th क्वेश्चन हो गया? आंसर क्या है 18th क्वेश्चन का? आंसर क्या है? 10 न्यूटन और 6 न्यूटन, दो फोर्सेस हैं। डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस मुझे पता नहीं, एंगल नहीं पता कहता मुझे। अब सारी गेम तो एंगल पे है, क्योंकि अगर दो वेक्टर को ऐड करना है तो एंगल तो चाहिए होगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू ए बी कॉस थीटा। वो कह रहा है कि ये बताओ व्हाट आर द लिमिट्स इन विच रिजल्टेंट फोर्स विल लाई। तो लिमिट्स समझते हो, जैसे आपने मैथ का पेपर दिया, 100 नंबर का पेपर, तो लिमिट्स किस लिमिट में आपका आंसर लाई करेगा या मार्क्स लाई करेंगे? 0 से 100 या 0 या 100, यानी कि मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू और कहीं बीच में। तो आंसर क्या आएगा? आंसर क्या आएगा? मिनिमम फोर्स और मैक्सिमम फोर्स। मिनिमम और मैक्सिमम फोर्स क्या आ सकती है?
मिनिमम फोर्स 4, मैक्सिमम 16, सही है। पहली बात तो आप मुझे समझ नहीं आ रही कि कर क्या रहे हो, तो कॉमन सेंस से भी हो जाएगा वैसे ही, रिजल्टेंट लगाने की जरूरत ही नहीं। मैं ये बोलता हूँ कि इस पैनल को खींचना है मुझे, ठीक है, और इस पैनल को खींचना है मुझे या धक्का मारना है। तो मैं ये देखो, मैंने धक्का मारना शुरू किया इसे या खींचना शुरू किया इसे, ठीक है। अब ये मैं अकेली फोर्स लगा रहा हूँ, और सपोज करो कि कोई स्टूडेंट को कहा यार हाथ लगवाइए जरा, मैंने कहा यहाँ खींचना है, अब वो वहाँ खींचने लग जाए और क्या गड़बड़ हो जाएगी यार। तो ऑब्वियसली मैं चाहूँगा कि फोर्स मैक्सिमम लगे, या वो ऐसे खींचने बैठ जाए तो पैनल ऐसे कैसे आएगा। तो एक इधर दूसरा भी इधर, तभी मैक्सिमम फोर्स लगेगी। तो मैक्सिमम फोर्स के लिए दोनों फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में होनी चाहिए, तभी मैक्सिमम। 10 और 6 अगर एक डायरेक्शन में है तो नेट आंसर 16, 16 आ गया। मिनिमम कब होगी, जब कोई मुझे खींचने नहीं देगा, एक इधर और एक इधर, तो 10 इधर और 6 इधर, 4, तो मिनिमम 4 होगा, मैक्सिमम 16। बाकी अगर किसी और एंगल पे फोर्स लग गई तो आंसर 4 और 16 के बीच में लाई करेगा। पहला कॉन्सेप्ट क्लियर है यहां तक? लेकिन अगर मैथमेटिकली, आप ठीक बोल रहे थे मैथमेटिकली, कि मैथमेटिकली अगर लिखने को आ जाए तो आप ऐसा करेंगे, रिजल्टेंट क्या है, अंडर रूट ऑफ 10 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू 6 इंटू कॉस ऑफ थीटा। आर की वैल्यू अगर आपको मैक्सिमम चाहिए तो कॉस थीटा की वैल्यू आपको मैक्सिमम पुट करनी पड़ेगी, और मैथ्स में कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1। तो अगर कॉस थीटा 1 हो जाए तो इससे ऊपर तो आ नहीं सकता आंसर, थीटा जो मर्जी चूज करने को हूं और मैं चाहता हूं कि कॉस थीटा मैक्सिमम आए तो आर भी मैक्स आएगा। तो अगर आप आर मैक्स निकालना चाहते हैं तो कॉस थीटा की वैल्यू को मैक्सिमम पुट करें, 10 स्क्वायर 6 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू 6, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का अंडर रूट क्या बनेगा, 16। आंसर इज 16 न्यूटन मैक्सिमम। और अगर आप रिजल्टेंट फोर्स को क्या चाहते हैं, मिनिमम, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या पुट करनी पड़ेगी, मिनिमम। मिनिमम क्या होती है, माइनस वन, ना जीरो नहीं होती, माइनस वन होती है, माइनस वन होती है, याद रखना ये। तो रिजल्टेंट की वैल्यू मिनिमम अगर निकालनी है तो अंडर रूट ऑफ 10 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 10 इंटू 6 हो जाएगा, क्योंकि कॉस थीटा माइनस वन। अब ये क्या बना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो अंडर रूट ऑफ 10 माइनस 6 का होल स्क्वायर, आंसर आएगा 4। वैसे मेरे वाला मेथड ज्यादा बेटर था, ऐसे ओरली कर दिया, ये ठीक है, ठीक है, स्कूल में दिखाने के लिए ठीक है, चार स्टेप करोगे भी तो स्कूल के लिए ठीक है। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? वैसे अगर ऑब्जेक्टिव के लिए मेरे वाला ठीक है, इधर लगाई मैक्सिमम, ऑपोजिट लगाई मिनिमम, काम ही खत्म है। यहां तक नेक्स्ट है कि इसका आंसर क्या है, 19th का कितना कर लो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड, अगर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के मॉड के इक्वल है तो एंगल बोलो क्या होगा, लगाओ फॉर्मूला, चेक करो। तो इसमें ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड आपको क्वेश्चन में गिवन है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड इज इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मॉड, मॉड रिजल्टेंट रिजल्टेंट के इक्वल है, एक एडिशन का रिजल्टेंट और एक सब्ट्रैक्शन का रिजल्टेंट। तो इसका आंसर क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 ए बी कॉस थीटा, और ये क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर माइनस 2 ए बी कॉस थीटा। स्क्वायरिंग करेंगे तो हट जाएगा,
फिर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, ये टर्म इधर आएगी, तो 4ab cos थीटा इज इक्वल टू क्या बोलो, जीरो की वन, मैंने पहले तो वन बोला था अब क्या जीरो, क्योंकि ये वाली टर्म जब इधर ऐड हो जाएगी तो यहाँ कुछ भी नहीं बचेगा, मैं कोई कैंसिल थोड़ा कर रहा हूँ, तो इधर टर्म आ जाएगी, तो 4ab cos थीटा इक्वल टू जीरो, राइट, तो 4ab तो जीरो से कट ही जाएगा, तो cos थीटा की वैल्यू क्या जीरो, ऐसा कब होगा जब थीटा क्या होगा 90, एंगल यानी कि 90, क्लियर है यहां तक, तो दोनों के रिजल्टेंट को इक्वल करके स्क्वेयरिंग करके आंसर, ठीक। ठीक है, नेक्स्ट है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, यूनिट वेक्टर ऑफ, तो ये तो आसान है, इसका यूनिट वेक्टर निकालना है, तो मान लेते हैं इस वेक्टर का नाम है ए वेक्टर, और यूनिट वेक्टर क्या होगा, यूनिट वेक्टर होगा अ वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, तो ये वेक्टर क्या है, 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस k कैप डिवाइडेड बाय ए का मैग्नीट्यूड क्या है, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, तो 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस k कैप डिवाइडेड बाय कितना हो गया, 16, 9, 1, 25, 5, तो आंसर, तो ये क्या आ गया इसका यूनिट वेक्टर ए कैप, 9, 16, अच्छा 9, ठीक है, सॉरी, तो यहां पर रूट 26 में छोड़ना पड़ेगा, अंडर रूट ऑफ 26, ठीक है, ठीक है, यहां तक कोई डाउट इसमें, इजी है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 में क्या करोगे बताओ, क्वेश्चन नंबर 23 में ए वेक्टर बी वेक्टर गिवन है, तो बोलो क्या करूं, सबसे पहले ऐड, मतलब कि आई को आई में, जे को जे में, के को के में, नहीं, फिर क्या करें, मॉड निकालने पहले इनका, उसके बाद, क्योंकि इसे मैग्नीट्यूड बोला इसलिए, नहीं, मैग्नीट्यूड किसका बोला, रिजल्टेंट का, पहले क्या निकलेगा, रिजल्टेंट वेक्टर, तो पहले ए वेक्टर बी वेक्टर में ऐड ही करना पड़ेगा, तो वेक्टर फॉर्म आएगा आई कैप जे कैप के कैप में, फिर उसका क्या करना है, मैग्नीट्यूड I के कोफिशियंट का स्क्वायर, J के कोफिशियंट का स्क्वायर और K के कोफिशियंट का स्क्वायर का अंडर रूट, क्लियर है यहां तक, ठीक, ये नहीं करना 24th, ये नहीं करना, फाइंड यूनिट वेक्टर, ये तो रिपीट क्वेश्चन है, ये भी नहीं करना, तो यहां तक क्लियर है, ठीक है, नेक्स्ट शीट नंबर 17 के बाद, शीट नंबर 19 थी, 18 तो मना किया था अभी, 19, इसके अंदर ये क्वेश्चन में कुछ करना नहीं है, ए वेक्टर गिवन है, बी वेक्टर गिवन है, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो बोलो क्या करें, पहले इन दोनों को ऐड करें और फिर उनका मैग्नीट्यूड निकाल लें, ऐसे ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर में सब्ट्रैक्ट करें और फिर उनका मैग्नीट्यूड निकाल लें, नेक्स्ट है फाइंड यूनिट वेक्टर पैरेलल टू, किया आज हमने, पैरेलल टू रिजल्टेंट ऑफ, पहले क्या निकलेगा इन दोनों का, रिजल्टेंट आर वेक्टर आएगा आई को आई में, जे को जे में, के को के में, फिर उसका क्या निकलेगा, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर का मतलब वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, ये रिपीट क्वेश्चन है पिछली शीट का, नेक्स्ट है फाइंड द वेक्टर व्हिच व्हेन एडेड टू रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ये जे कैप है प्लीज, ये जे कैप है, रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर That gives a unit vector along z-axis. कोई बताएगा unit vector along z-axis को क्या लिखते हैं? K cap. तो मान लो वो पूछ रहा है find the vector. तो आपको vector ढूंढना है. तो मान लो वो vector है x vector. जो किसमें add करना है? Resultant of a vector and b vector. तो add करो. Resultant निकालने के लिए क्या करेंगे? पहले a vector लेंगे. A vector ये a vector है. और इसमें ऐड करेंगे बी वेक्टर, ये लो ये मैंने ऐड किया इसमें बी वेक्टर, तो ये दोनों को ऐड करके क्या आ गया, रिजल्टेंट वेक्टर, तो एक्स वेक्टर में रिजल्टेंट ए वेक्टर पर बी वेक्टर ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, के कैप,
आंसर कह रहे हैं के कह पाएगा। क्लियर है? आपको एक्स वेक्टर निकालना है आई जे के में, तो एक्स वेक्टर विल बी प्लस प्लस आई वाली टर्म आई में करेंगे तो सिक्स आई कैप, जे वाली जे में करेंगे तो प्लस माइनस जे कैप, और के वाली के में करेंगे तो माइनस थ्री के कैप इज इक्वल टू के कैप। तो एक्स वेक्टर विल बी इक्वल टू आई वाली टर्म राइट पे गई तो माइनस सिक्स आई कैप, जे राइट पे गया तो प्लस जे कैप, ये राइट पे गया तो फोर के कैप। आंसर आ गया। तो क्या करना है समझ में आ रहा है, एक्स वेक्टर में ए वेक्टर बी वेक्टर ऐड कर देने हैं, यानी कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मतलब रिजल्टेंट है, तो एक्स वेक्टर में रिजल्टेंट वेक्टर ऐड करके एक नया वेक्टर निकालना है आंसर। ठीक है, कितनों का हो गया था? ठीक है, ठीक है। ठीक है यहां तक। नेक्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, ये यूनिट है, यूनिट ये यूनिट करो, यूनिट वेक्टर। तो अगर ये यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? वन। ये खुद यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड निकालना जरा क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 0.4 का स्क्वायर प्लस 0.8 का स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर, और आंसर क्या आना चाहिए? वन। तो आप इसको स्क्वेयरिंग करें और लैम्डा स्क्वायर से लैम्डा निकाल लें आंसर। तो इस जो भी अगर कोई यूनिट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड हमेशा वन है, तो इसको मैग्नीट्यूड निकाल के वन पुट कर दें आंसर आएगा। ठीक है यहां तक। ठीक है, नेक्स्ट है ये नहीं करना अभी, फोर्स इज इंक्लाइंड 30 डिग्री टू दी हॉरिजॉन्टल, ये रही आपकी फोर्स की वैल्यू या फोर्स वेक्टर, हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल क्या है 30। इफ इट्स रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट इन हॉरिजॉन्टल इज 50, ये हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकल है, तो एफ इंटू कॉस ऑफ 30 और ये क्या है एफ इंटू साइन ऑफ 30। हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट की वैल्यू कितनी है 50, तो आपको क्या निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। तो यहां से कॉस ऑफ 30 पुट कर लेना रूट 3/2 इज इक्वल टू 50, तो यहां से फोर्स की वैल्यू आएगी 100 डिवाइडेड बाय रूट 3 न्यूटन। आंसर वो डेसिमल में किया, मैंने ऐसे ही छोड़ दिया, तो एफ आ गया। ठीक है, अब आपको वर्टिकल कंपोनेंट भी निकालना है। वर्टिकल कंपोनेंट क्या है एफ साइन 30, तो एफ की जगह पुट कर लो 100 बाय रूट 3, साइन 30 कितना है हाफ, सॉल्व करके क्या आएगा 50 डिवाइडेड बाय रूट 3 इज द आंसर। कोई डाउट इसमें? ठीक है यहां तक। ठीक, नेक्स्ट है अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड हैज वाई कॉम्पोनेंट 5√2, एक्स कॉम्पोनेंट निकालो, तो ये वेलोसिटी 10 है, मैग्नीट्यूड 10 है, इसका एक्स कॉम्पोनेंट वाई कॉम्पोनेंट गिवन है कितना 5√2, आपको क्या निकालना है एक्स कॉम्पोनेंट, इसका मतलब 10 रिजल्टेंट है इन दोनों का, तो रिजल्टेंट का मतलब क्योंकि ये राइट एंगल है, तो यानी कि 5√2 का स्क्वायर प्लस वी एक्स का स्क्वायर, स्क्वेयरिंग करके वी एक्स निकाल लेना इसमें, यानी कि रिजल्टेंट गिवन है, इसको एक कॉम्पोनेंट गिवन है और दूसरा कॉम्पोनेंट निकालना है, और जो रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट होते हैं एंगल 90 भी होते हैं हमेशा। तो फॉर्मूला समझ में क्या लग रहा है? ठीक, नेक्स्ट है एरोप्लेन टेक्स ऑफ एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू दी हॉरिजॉन्टल, तो ये 30 डिग्री है, इफ कॉम्पोनेंट ऑफ द वेलोसिटी अलोंग हॉरिजॉन्टल इज गिवन, तो अगर टोटल वेलोसिटी वी है तो हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट क्या होगा वी कॉस 30, जो कि क्वेश्चन में कितना गिवन है 200, तो यहां से किसकी वैल्यू आ जाएगी v की, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू 200 है, तो v cos 30 इज इक्वल टू 200, तो v आ गया। फिर क्या निकालना है वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट फिर से v sin 30, जो भी v यहां से निकालोगे उसको उठा के यहां पुट कर दो आंसर, वर्टिकल कंपोनेंट आ गया। सेम क्वेश्चन है जो ऊपर किया था, बिल्कुल सेम। ठीक है,
हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से टोटल वी आएगा और वी से वर्टिकल कंपोनेंट आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है चाइल्ड, ये क्वेश्चन कर लिया था फोर्स वाला हमने, इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है,